आज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं। ये दम बिरयानी का सामान है। 500 ग्राम चिकन है, इसको हम अच्छे से धुल लिए हैं। ये 4 बड़े साइज का अनियन है, इसको कट कर लिए हैं स्लाइस में, इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको, अब हमारा पहला स्टेप है मैरिनेशन का, वो चिकन हम मैरिनेट करेंगे। इसमें डालेंगे टमाटोज, ये 2 बड़े आकार का टमाटर है, इसको हम काट लिए हैं। और ये है दही और मसाले हैं, ये कोरिएंडर पाउडर है 2 चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर है 1 चम्मच, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 चम्मच, ये गरम मसाला है 1/2 चम्मच, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, और ये हमारे पास 5 ग्रीन चिल्ली है, जिसको हम जो है लंबे लंबे में इसको बीच से काट दिए हैं, और ये कोरिएंडर लीव्स है जो फाइन काट लिया गया है, और ये हमारे पास इसको बाद में यूज़ करते हैं, तो ये हमने डाल दिया। सर फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पुदीने के पत्ते हैं, ये हमारे गार्डन से ही हैं। जब हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा पत्तियाँ होती हैं तो हम तोड़ करके इसको सुखा के रख लेते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, टर्मरिक पाउडर, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और 1 घंटे के लिए इसको हम फ्रीज में ढक कर रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये जिस पैन में तेल गरम कर लिए हैं, और इसमें हम डालेंगे जीरा, इसमें ये तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 टुकड़ा जावित्री, और इसमें जाएगा ये मैरिनेटेड चिकन। फ्राई कर लेंगे इसको, इसमें डाल करके फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसी तरह लाइट गोल्डनी करना है। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ा सा चिकन मैरिनेट में डालेंगे, और फिर से बाकी जब राइस पकाएंगे तब डालेंगे। ये हमारा पानी एक भगोने में रख दिए हैं गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो रहा है, इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच नमक, और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। ये चक्रफूल है, शाहजीरा है, और बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी है, 1 तेज़पत्ता है, ये डाल देंगे इस पानी में। राइस को डाल देंगे, 1 चम्मच तेल है इसको हम डाल दे रहे हैं, इससे राइस खिले खिले बनेंगे, चिपकेगा नहीं। अब ये देखिए हमारा राइस पक रहा है। ये हमारा चावल पक चुका है, ये चावल को 80% ही पकाना है। अब इसको हम पानी में से निकाल लेंगे। मैरिनेटेड चिकन को पैन में डाल करके पका लिए हैं, तैयार हो चुका है, पक गया है। देखिए क्या बढ़िया खूबसूरत कलर आया है। अब हम चलते हैं लेयर लगाने। आज हम बिरयानी कुकर में बनाएंगे, उसको कोई आटे से सील करने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन लगा करके बंद कर देंगे और आँच एकदम धीमा रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा चिकन डालेंगे, ये चिकन देखिए कितना जूसी है, इससे बहुत अच्छा राइस में फ्लेवर आएगा। अब इसमें हम डालेंगे राइस, ये चावलों का लेयर लगा लें। इसमें हम ये डाल रहे हैं सेफ्रॉन है, इसको हम पानी में भिगा करके रख दिए थे 5 मिनट के लिए। इसको पानी या दूध में आप भिगा सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये है देसी घी, हम ऊपर से इसको डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी, और ये केवड़ा जल है, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसका हम ये ढक्कन बंद कर देंगे, हम धीमे आंच पर इसको हम 10 मिनट तक पकने देंगे। क्या बिरयानी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, एकदम खिला खिला, और एकदम चावलों में भी इसके फ्लेवर,